एलटी न्यूज में आपका स्वागत है। देख ले न्यूज खबरों का संसार। बरेली जनपद की सदर तहसील में चल रहा है कॉमन किचन सेंटर, जिसमें अभी तक 53,000 लोगों को बांटे जा चुके हैं खाने के पैकेट। ये जानकारी एसडीएम ईशान प्रताप सिंह जी ने दी। किला थाने के अंतर्गत नागरिक एकता समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। शहर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गणेश नगर वार्ड नंबर 13 में युवा फाउंडेशन करा रहा है गली मोहल्लों में सैनिटाइजिंग का छिड़काव। स्थानीय सभासद अपने कर्तव्य से है विमुख। डॉक्टर लेखराज की रिपोर्ट। एलटीटी न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। देखते हैं एलटीटी न्यूज खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील आंवला में केसरपुर ग्राम पंचायत में पकड़ा गया राशन पर बटने वाला घटिया क्वालिटी का चावल का जखीरा। अधिकारियों ने मारा छापा, 36,000 कुछ रुपए वसूला समन शुल्क। ये चावल लेगा, दूसरे चावल लेगा, ये ऐसे करके ये इकट्ठा हो जाता है। नहीं, जो कोटे से चावल उठाते हैं वो ले आकर के तुम्हारे यहाँ लोग कार्ड पे जो उठाते हैं उससे थोड़ा सही वाला ले जाते हैं और ये हमें दे जाते हैं। नहीं तो इस तरह से तुमने कितना खरीदा है? तो ये जब से सर कहीं माल गया भी नहीं है। ये तो ये 2 महीने का, ये 2-3 महीने का लगा हुआ है, 2 महीने। कितना तुमने? 36 क्विंटल। तहसील आंवला से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, तुम तो कह रहे हो कि चावल जो लोग कोटे से उठा रहे हैं, तुम घूम घूम खरीदते हो? ना, घूम घर नहीं खरीदते, जैसे घर पर कोई ले आया, घूम बाजार में खरीदते हैं, अपने गांव के बाजार में वहाँ खरीदते हैं। जैसे गेहूँ चावल जो भी आ जाता है 2-4 कोटे वाले ही तो है पूरे चावल ही। चावल सब कोटे वाले हैं। आंवला में ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों को बांटे पीपी किट। गरीबों व असहाय लोगों के लिए भी वितरित की जा रही है खाद्य सामग्री। आलोक शर्मा की रिपोर्ट आंवले से। महासभा के उपाध्यक्ष सत्कार्य, आप किस तरीके से अपनी समिति द्वारा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें कहना चाहेंगे भैया कि जो भी कोरोना वायरस हम लोग रक्षा में लगे हुए हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवार की चिंता छोड़कर, अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर हम लोगों की रक्षा में लगे हुए हैं।
उनका सम्मान करें ना कि उनका हाथ पकड़े और समय रहने भी हम लोग खुश हैं। क्यों सरकार ने गाइडलाइन जारी किया आरोग्य सेतु एक्ट के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको हम लोगों को अपने पैरों में स्थापित करना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है कि हम किसी ऐसे इससे नुकसान हम लोग हो सके और हमसे और लोग नुकसान हो सके। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की द्वारा जो है दी गई है उसको सभी लोग अपने शोर में डालेंगे। आप काफ़ी समय से असहाय निर्बल लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनके लिए राशन पानी भी मुहैया करा रहे हैं, आपने अब तक कितने परिवारों की मदद की है? अब तक हमने जो राशन की व्यवस्था है लगभग 1000 से ऊपर परिवारों को हमने राहत सामग्री के रूप में राशन की व्यवस्था की है, जल्द पहुँचाया। आप अपने आंवला के नगर के अलावा गांव में भी इसका वितरण कर रहे हैं? आंवला बल्कि आंवला नहीं, हम तो कोई जिला जैसे मतलब पूरे जिले में कर रहे हैं जी, क्योंकि जहाँ जहाँ से अपने हमारे पदाधिकारी द्वारा या मीडिया कर्मियों द्वारा जहाँ से भी जानकारी मिलती है और हमने अपने नंबर भी दे रखे हैं और सबसे बेहतर पूरे जिले में ये आंवला नहीं पूरे जिले में हमारे प्रयास जारी है। जो आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप और इंजीनियर नरेंद्र राजपूत ने किया पत्रकारों का सम्मान। आंवले से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। जनता से की अपील समाज सेवी इंजीनियर नरेंद्र राजपूत जो है पूर्व वर्तमान विधायक धर्मपाल जी के भतीजे, जिन्होंने जनता से की अपील अच्छे से करें हाथ साफ। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी रखे अपने विचार। कोटे पर घटतौली की जांच पर रखे अपने विचार। आंवले से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व चेयरमैन आंवला के ने प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन का किया जोरदार स्वागत। फूल मालाओं से स्वागत। पुनः एलटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते न्यूज खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज में जंगली सुअर ने किया कई लोगों को घायल। वन कर्मी देख रहे हैं, देखते रहे और कई लोगों को किया जंगली सुअर ने घायल। नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट।
भाई साहब आपका? अकबर अली। तो अकबर अली, तो क्या कौन से पत्ते हैं आप? माली। माली, तो क्या बात क्या है? तो कोई जंगली जानवर ये सुअर कहीं से भाग के आ गया है जंगल खेतों में से बस। अच्छा। तो ये छिप गया, इसको हम बाहर निकालने की प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं सारे? हमारी टीम में करीब हैं तो 8-9 लोग। कुछ लोग जो गए हुए हैं खबर वगैरह लेने गए भगाने के लिए, हाँ, व्यवस्था करने के लिए। बाकी अभी हम काफी लोग थे, 5-6 लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आपने भगा दिया अभी तक? अभी तो उसको ग्राउंड से निकाला बाहर के लिए। तो अभी कहाँ गया है वो? अभी ये निकल गया है गलियों में भागते हुए बाहर के लिए। आपका क्या नाम है? रामशरण। तो क्या आप? रामशरण। तो क्या आप भी पकड़ रहे हो? तो कितने लोग हैं यहाँ पर आपके पूरी टीम में? 8-9 लोग। तो आप कौन से पत्ते हैं? वनरक्षक से हैं। चलिए। डॉक्टर AK गंगवार ने की मानवता की मिसाल कायम, गरीब व विकलांग को बगैर रुपए लिए ही फ्री में करा दिया उसके बच्चे का पूरा इलाज, किया डिस्चार्ज। गरीब बेसहारा विकलांग ने की ईश्वर से डॉक्टर AK गंगवार के लिए अच्छी शुभकामनाएं दी। नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। डॉक्टर AK गंगवार से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये विकलांग बेसहारा बिल कितना बना था डॉक्टर साहब? ये 4 दिन का बिल जो है इनका 11,200 रुपए का बिल था जो इन्होंने काउंटर पे लिया था। ये मेरे पास बिल लेके आए और मुझसे कहा कि साहब हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारा बिल कम कर दीजिए। लेकिन जब मैंने इनकी दशा देखी तो मैंने इनका पूरा जो है बिल माफ कर दिया, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लोग नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं जो पर डे अपनी इनकम कमाते हैं वो सब बंद हो रखा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने